चलिए अभी मेरा हो रहा है, होने के बाद आप लोगों को पूरा प्रॉपर लुक दिखाएंगे। स्लाइडर्स वगैरह है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है। देखिए बहुत ही बढ़िया सा लुक्स आ रहा है, फ्रंट का लुक्स दिखिए अभी आप लोग। तो गरम गरम रोटी हॉटकेस पे रखा हुआ, फिर जा रहे हैं अभी। ओए होए होए, लेट्स गो। नया वाला ब्रिज हम लोग का, ये क्या गिरा हुआ है रोड के बीच में। मतलब वेदर के साथ साथ हम लोग का रोड भी अनप्रेडिक्टेबल है गाइस। साथ में एक फ्री मिलेगा ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे। तो राइडर्स कैसे हो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज मॉडिफिकेशन का ब्लॉग होने वाला है। मॉडिफिकेशन किस चीज़ का आप लोगों को मैं जल्दी से बता रहे। तो ये साइड पे दिखे, तो ऐसा स्ट्रेच कट आप लोगों ने बाइक शो पे बहुत देखा होगा, ठीक है। तो वही स्ट्रेच कट, और जो लोग चैनल पे नए हो तो आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ ही दिन पहले मैंने होंडा एक्टिवा का डिलीवरी लिया था घर के लिए। तो ये देखे साइड पे, तो वही एक्टिवा 125 स्ट्रेच कट दोनों को मिला देंगे। बूम, कैसा वाला लुक्स आएगा, मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा लुक्स आने वाला है। स्क्रैच कार्ड प्लस एक्टिवा 125, बहुत ही खतरनाक सा लुक आएगा। और बाहर आप लोगों को वेदर चेक करवा दो पहले, ठीक है। बाहर वेदर देखिए, बिल्कुल भी धूप नहीं है। लगता है वहाँ थोड़ा सा सिटी साइड थोड़ा सा आगे मतलब धूप होगा। तो क्लाउडी वाला सीन है अभी, जहाँ तक क्लाउड है मतलब धूप नहीं है, और जहाँ क्लाउड के बाहर एरिया है वहाँ पे पूरा धूप है। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे दिखाई दे रहा, गोप्रो पे पता नहीं, जूम करके आप लोगों को दिखा दूंगा। गर्मी आज थोड़ा सा कम ही है, कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। वेदर भी मस्त है, मॉडिफिकेशन भी मस्त होगा, बहुत ही बढ़िया सा। मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्रैच कट तो बाइक शॉप पे लगाते हैं, तो आज एक्टिवा पे लगा के देखते हैं कैसा लुक्स आएगा। तो चलिए, और हाँ देखिए, फुल रेडी ब्रेकफास्ट, रोटी, और ये कहा गया रोटी के साथ सब्जी। हाँ तो ये छोले नहीं तो मटर, छोले प्लस मटर, ठीक है। देखिए स्मेल तो बहुत ही बढ़िया सा आ रहा है, जल्दी से टेस्ट करते हैं। तो गरम गरम रोटी हॉटकेस पे रखा हुआ, फिर जा रहे हैं अभी। ओए होए होए, इसको टेस्ट कर दो एक चम्मच। आह मजेदार। तो चलिए मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ, उसके बाद स्कूटी लेके जाऊँगा। तो स्कूटी के साथ ये रहा, तो जाने के समय पूरा मोटर ब्लॉगिंग हुआ, ठीक है। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हो, मोटर ब्लॉगिंग पे मिलते हैं आप लोग। चलिए गाइस, मेन रोड पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और ये रहा हम लोग का एक्टिवा 125। और ओ भाई, वेदर भी कुछ ठीक नहीं है, अभी तो फिलहाल ठीक ही है, लेकिन वेदर का कुछ भी गारंटी है नहीं। बारिश होने से प्लान पूरा चौपट हो जाएगा, तो ऐसे रहने से मस्त है, ऐसे रहना है, ऊपर वाला पूरा साथ दो। बारिश वारिश नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है, बढ़िया होगा, धूप ऊप नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जीएस रोड से थोड़ा सा आगे, गणेशगुड़ी साइड, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोटो क्रेज करके है, वहीं पे जा रहा हूँ, मॉडिफिकेशन का शॉप। हम लोग के यहाँ का सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग, राइडर्स लोग वहीं पर जाते हैं मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए। तो वहीं पर जा रहा हूँ, माल नहीं था, एक हफ्ते पहले मैंने उनको बोला था, फिर उन्होंने दिल्ली से ऑर्डर कर दिया। अभी माल आ चुका है, आज जाके फिटिंग करके आना है बस। बाकी रेट वगैरह क्या कुछ होगा वहीं पे जाके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। जो रहता है पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट रहता है वो वाला, और मैट फ्रंट पे जो मैट रहता है वो, और बॉडी गार्ड पूरा वो जो सिल्वर में आता है वो पूरा आ जाएगा। जितना मैं ये मैं स्क्रैच गार्ड लगा रहा हूँ उतना पे तो ये पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन आई होप लुक्स भी बढ़िया होगा। और ये गाइस, गाड़ी किसका है, फादर जी का है, तो इस पर लगा रहा हूँ क्योंकि फादर जी भी पूरा इंटरेस्टेड थे। तो फादर जी ने बोला था कि एक्टिवा पे स्क्रैच गार्ड बॉडी गार्ड लगाना था ना, तो मैंने बोला कि क्या ये लगाऊँ, क्या ये बढ़िया हो सकता है, दिखने पे भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, बल्कि बल्कि होगा। तो फादर जी ने बोला कि हाँ ये लगाओ, तो ऑर्डर करना पड़ा। फादर जी ने मुझे दो तीन दिन और बोला कि क्या वो आया नहीं, जल्दी से खबर करो, उसको लगाओ जल्दी से। तो फादर जी भी इंटरेस्टेड है, तो इसलिए मैं भी लगा रहा हूँ उनके गाड़ी पे, नहीं तो मैं नहीं लगाता। फादर जी भी इंटरेस्टेड है, तो ये रहा नॉर्मल वाला, वैसे जो सिल्वर में आता है, तो नॉर्मल वाला नहीं, उससे थोड़ा सा स्क्रैच गार्ड थोड़ा सा बल्कि होता है, बहुत ही बढ़िया सा होता है। बच्चा वो लोग मतलब जो भी मतलब बंदा राइडर वगैरह हो गया, ब्लॉगिंग ब्लॉगर वगैरह को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, देखिए क्या स्माइल कर रहा है पीछे बैठ के पूरा।
चलो नया वाला ब्रिज पहुंचने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखने को मिलेगा अभी कितना ब्रिज का मतलब फिनिशिंग वगैरह क्या कितना तक आगे बढ़ा है वो आप लोगों को दिखने को मिलेगा अभी। चलिए और व्यू तो एज ऑलवेज बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। यस लेट्स गो, नया वाला ब्रिज हम लोग का, ये क्या गिरा हुआ है रोड के बीच में, मतलब वेदर के साथ साथ हम लोग का रोड भी अनप्रिडिक्टेबल है गाइस। देखो बाली निकल के आ चुके हैं, मतलब सेंड बाहर आ गया, देखिए तो पानी धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विंटर पास में आ रहा है जितना सूख रहा है पानी उतना ही देखिए रेत बाहर आ रहा है। और ब्रिज देखिए ये साल तक कंप्लीट हो जाएगा क्या, देखते ये साल का एंडिंग तक नहीं तो वो साल के स्टार्टिंग तक ब्रिज पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार ने तो ऐसे कुछ बोला था हम लोग का। लेकिन ब्रिज बहुत ही कमाल का होने वाला है और देखिए वहाँ पे डिज़ाइन ब्रिज का बीच में जो ऐसे कुछ लगवाया है लाइन पोस्ट के साथ वो बहुत ही बढ़िया लगा, ऐसा लग रहा है पूरा एकदम बाहर है, जो बाहर में मूवीज़ में हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना वैसे कुछ सीन हो रहा है। चलिए देश बदल रहा है हम लोग का, अभी सिटी साइड आ गया हूँ, थोड़ा सा धूप आ गया देखिए और थोड़ा सा मतलब गर्मी महसूस हो रहा है, यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग वहाँ पे ठंडा ठंडा था, अभी यहाँ पे आने से पूरा एकदम गर्मी लग रहा है। और मैं ऊपर से फुल हाफ पहन के आया हूँ, देखिए मिरर पे आप देख सकते हो फुल हाफ पहन के आया हूँ भाई, पूरा टैनिंग हो जाएगा पूरा। मुझे यहाँ से यू टर्न करना पड़ेगा, मोर में आ गया आ गया, अरे नहीं रे धूप आ गया है देखिए यहाँ पे, तो ये शायद बहुत ही धूप है, मैंने आप लोगों को बताया था घर पे हम लोग के वहाँ पे क्लाउड आ रहा था तो इसलिए हम लोग को वहाँ पे धूप नहीं था, अभी यहाँ पे क्लाउड ख़त्म होता है तो इसलिए धूप आ गया यार, पूरा जल रहा है मेरा। तो स्कूटी पे तो मॉडिफिकेशन के लिए बहुत कुछ है लेकिन स्क्रैच गार्ड ही लगा रहा हूँ क्योंकि ये फादर जी का गाड़ी है, ठीक है तो मेरा होता तो कुछ ना कुछ और लगवाते। और राइडर्स लोग जैसे मॉडिफिकेशन करके रखते वो लोग का स्कूटर पूरा दिखने में लगता है एकदम लॉन्ग टूर करने वाला राइड करने वाला स्कूटर है, तो वैसे ये एक्टिवा 125 है तो लॉन्ग टूर के लिए भी बहुत ही बेस्ट है क्योंकि ये 125 सीसी का भी है। और ऐसे मिला हूँ मैं जो लोग के पास मतलब एक्टिवा 125 है तो उन लोगों को पूछा था मैंने, बोला कि हाँ लॉन्ग टूर के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो अगर मॉडिफिकेशन वगैरह करके लॉन्ग टूर करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कभी मेघालय या फिर असम लोअर असम अपर असम कर सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर इन फ्यूचर करते हैं, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। हाय ट्रैफिक देखो यार, ये वाला लाइन पे आने से मतलब बहुत ही खतरनाक से ट्रैफिक मिलता है। और अभी देखिए मैं गड्ढों पे वगैरह पे चलाऊँगा तो उतना मतलब फील नहीं होता है, और स्कूटी है ऐसा मतलब बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि हाँ ये गड्ढों वगैरह में मतलब ख़राब वाला रास्ते में प्रॉब्लम होगा ऑफ रोडिंग वगैरह पे, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, स्मूथ तरीके से आराम से चढ़ जाता है ये, मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो होंडा है, रिलायबल है, बहुत ही बढ़िया लगा, देखिएगा अभी गड्ढा वगैरह आ रहा है देखिए, ऐसा फील नहीं होता कि स्कूटी चला रहा हूँ। और सस्पेंशन भी मतलब उतना बाउंस नहीं करता है, जो ज़्यादा बाउंस होने से मतलब पिलियन आराम से बैठ नहीं पाता है, गड्ढा वगैरह आने से उड़ा देता है, तो ऑफ रोडिंग वगैरह आने से भी इससे बहुत ही बढ़िया होगा। और टायर भी ट्यूबलेस है, नो टेंशन यार, तो लॉन्ग टूर के लिए तो बढ़िया होगा अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है 125 के जगह अगर ये 155 होता एरोक्स के साथ जैसे यामाहा का है तब तो और भी खतरनाक होता। अभी पोल्टन बाजार पहुंच चुका हूँ, यहाँ से राइट जाने वाला हूँ, फिर और पकड़ लीजिए 10-15 मिनट अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। गाइस अभी मैं मोटोक्रेस पे हूँ, पहुँच चुका हूँ और आप लोग भैया जी को तो पहचानते होंगे, ओके तो भैया अभी मेरा देखिए काम चालू हो चुका है, पूरा लग रहा है होने के बाद आप लोग को पूरा फिनिशिंग लुक दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया आने वाला है। बाकी भैया जी आप बोलिए रेट कितना होगा आने से, इसका अलग अलग है, ये वाला क्रैश गार्ड जो है ये 3300 का आता है। हाँ। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ में काफ़ी ऑफर्स भी चल रहे हैं, जैसे कि आप एग्जॉर हेलमेट अगर परचेज करते हैं ना तो उसके साथ आपको हमारे यहाँ पे सेप्टेम्बर के लिए अप टू 17 सितंबर डॉट का एक हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन 2500 का एब्सोल्युटली फ्री है। एब्सोल्युटली फ्री राइट, कैसे? एक्सोर एपेक्स कोई भी हेलमेट लेते हैं, अच्छा वो 5000 एमआरपी का है, 6000 वो लेंगे उसके साथ ये फ्री है। तो सुना आप लोगों ने 17 ऑफ सितंबर तक ये ऑफर है, एक्सोर का एक 5000 टू 6000 का अगर आप लोग हेलमेट लेते हो तो ये देखिए बोट का कितना खूबसूरत सा देखिए हेडफोन फ्री मिलेगा आप लोगों को। कितना एमआरपी कितना होगा इसका? 2499। तो 2000 पकड़ लीजिए आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वाला हेडफोन पूरा फ्री है देखिए। और कुछ भैया जी? इसके अलावा भी काफी आइटम्स है, एक्सोर वगैरह हेलमेट वगैरह है, स्टील बर्ड के है, धीरे धीरे देखिए बुला रहा है, मतलब जल्दी से मतलब भेजना है, मतलब
तो जो लोग असम से है गुवाहाटी से आप लोग तो भैया जी को पहचानते हैं, आ जाइए जीएस रोड क्या है पूरा लोकेशन बता दीजिए। ये आपको गणेशगुड़ी फ्लाईओवर के जस्ट पास में वालपुर साइड में है मोटो फ्रेश डिजाइन। गूगल में भी दिया हुआ है, सर्च करने से आप लोगों को गूगल मैप पे मिल जाएगा। आइए आप लोग पूरा आप लोग भैया जी से बात करिए क्या कुछ चाहिए आप लोग, सब कुछ मिल जाएगा। क्लासिक टू स्कूटी से लेकर क्लासिक बैक आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मेरा हो रहा है, होने के बाद आप लोग को पूरा प्रॉपर लुक दिखाएंगे। देखिए लगभग फिटिंग हो ही रहा है और ये रहा स्लाइडर्स, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का लुक्स आने वाला है, थोड़ा सा और टाइम वेट कर लीजिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है और रुक रुक के मेरा अभी पानी प्यास लगने वाला है। तो घर से पानी लाया था बॉटल पे, चलिए पानी वगैरह पी लेते हैं। ऑलराइट राइडर्स, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो यहाँ से लुक्स देख रहे हो, देखिए स्लाइडर्स वगैरह है। तो लुक्स बहुत ही कमाल का हो चुका है, ठीक है। लुक्स पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग वाला वाइब्स आता है देखने में। तो अभी मैं एक बढ़िया सा लोकेशन निकलूंगा, वहीं पे जाके रुक के एक बढ़िया सा शॉट्स लेने वाला हूँ सिनेमैटिक टाइप, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है गाइस, तो यहाँ पे अभी वीडियो पूरा स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद डायरेक्ट लोकेशन पे मिलते हैं आप लोगों से। लुक्स क्या खूबसूरत आ गया, पूरा उभर के पूरा खूबसूरत सा लुक आ गया है। आई होप फादर जी को भी पसंद आएगा। और मौसम भी देखिए क्लाउड्स हो गया है और लगता है बारिश भी होने वाले थोड़ी देर बाद, नो धूप, मज़ेदार। चलिए सीधा लोकेशन पे मिलते हैं आप लोगों से। तो राइडर्स मैं अभी आ चुका हूँ लोकेशन पे, अभी हूँ मैं कामाख्या टेम्पल के ऊपर, पूरा ऊपर भी नहीं हूँ, बस ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फुटपाथ के पास में थोड़ा सा खाली जगह मिला इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। और देखिए अभी पूरा लुक्स आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिखा देते हैं। देखिए फ्रंट मार्टगार्ड का भी पूरा गार्ड आ गया है देखिए ये, और ये स्लाइडर्स वगैरह है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है। देखिए बहुत ही बढ़िया सा लुक्स आ रहा है फ्रंट का, लुक्स देखिए अभी आप लोग स्लाइडर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला वाइब आ रहा है। देखिए फ्रंट से देखने से ऐसा लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी ये साइड का देख लीजिए बहुत ही बढ़िया। अभी पीछे का देखिए इस गार्ड, ये वाला मैंने क्यों चूज़ किया तो ये भी एक कारण है। देखिए बैक लाइट को देखिए, टेल लाइट को पूरी तरीके से मतलब पूरा कवर कर रहा है, पूरा गार्ड करेगा, ये गिरने से वगैरह से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा है, देखिए आप लोग देख सकते हो पूरी पूरा बैक लाइट पूरा कवर कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। बाकी देखिए साइड लुक बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये साइड वाला लुक और फ्रंट वाला लुक बहुत ही खूबसूरत लगा है, देखिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये वाला गार्ड बहुत ही स्क्रेच गार्ड बहुत ही बढ़िया लगा है, आई होप आप लोगों को भी बढ़िया लगा होगा। आप लोग अगर लगाते हैं तो वहीं पे जाना, मैं लोकेशन वगैरह सब कुछ दे दूंगा मोटो क्रेस का, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, नंबर वगैरह सब कुछ। बाकी जो लोग असम से है या फिर इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हो, रील्स वगैरह अगर आप लोग देखते हो तो भैया जी को आप लोग पहचानते होंगे या फिर मोटोक्रेस आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाना, यहाँ का बड़े बड़े यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स राइडर्स सब लोग वहीं पे जाते हैं, ठीक है। बाकी मैंने गुवाहाटी जालुकबारी से लेके फोरुलो 80 रोड सब पे पूछ लिया था तो कहीं भी नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ पे मोटोक्रेस पे चला गया। वहाँ पे भी अवेलेबल था नहीं, ये बाहर पे मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था, दिल्ली वगैरह में ये सब मिलता है, तो हम लोग को गुवाहाटी पे अवेलेबल नहीं था। तो भैया जी को पता था, बस माल अवेलेबल नहीं था, उन्होंने दिल्ली पे ऑर्डर कर दिया फिर आ गया, ठीक है। तो अभी तो पूरा माल अवेलेबल है, आप लोग जगह वहाँ पे लगाने से लगा सकते हैं, एक्टिवा वगैरह सब कुछ मिलेगा आप लोग को, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे पूरा एकदम स्क्रैच गार्ड के साथ ही मतलब फुटरेस्ट आ जाता है, तो वो वाला आप लोग मत लगाना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि कोई आप लोग अगर पिलन वगैरह उठाते हो, कोई अगर वहाँ पे पैर रख के चलेगा तो ये वगैरह टूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगाया नहीं, फुटेज वगैरह मैं बाद में लगा लूँगा सेपरेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आता है, वो वाला अच्छा नहीं होता है। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एक बार आप लोगों को दिखा रहे हो पूरा 360 कंप्लीट व्यू, चलिए हो गया है। अभी एक सिनेमैटिक शॉट सा लेने वाला हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर में जाके देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो वहीं पे पी लेंगे, नहीं तो मैं नीचे जाके हम लोग को वहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। आज फादर जी पूरा खुश हो जाएगा, बहुत दिन से वेट कर रहा था। फादर जी भी बोल रहे थे कि जल्दी से जाके लगा लो। अभी मैं थोड़ा देर यहाँ पे व्यू का एंजॉय करूँगा, आप लोग व्यू एक बार देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से। अरे क्या व्यू है, सही है, वो हम लोग का मालिक स्थिति, ठीक है, बहुत
बहुत ही खूबसूरत है। 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे रुक के फिर नीचे जाने वाला हूँ। लेमन जूस, गन्ने का जूस या फिर कोकोनट जूस, जो भी होगा, जो मिलेगा पहले वही पी लूँगा। ठीक है, चलिए बस शाम तक बारिश होने से बहुत ही अच्छा होगा। ट्रेडर्स में बहुत ऊपर आ गया था, अभी नीचे जा रहा हूँ और गाड़ी देखिए पूरा ऑफ है, ऑफ करके पूरा जा रहा हूँ, बस ब्रेक पकड़ के जा रहा हूँ, तेल बचा रहा हूँ थोड़ा सा। एक ग्लास साथ में एक फ्री मिलेगा ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। फ्री मिल गया एक ग्लास, भैया जी ने और एक बार दे दिया है। चलिए तो जस्ट अभी बारिश हो गया है देखिए, और लगता है आगे वहाँ पे बारिश अभी भी हो ही रहा है, हम लोग का यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो बहुत दिनों से धूप से हम लोग का हालत ख़राब हो रहा था, अभी थोड़ा सा बढ़िया होगा। ठीक है, कम से कम आज तो बढ़िया तरीके से हम लोग सो पाएंगे रात को। ठीक है, नहीं तो जो गर्मी था। चलिए भी मैं घर पहुँच चुका हूँ गाइस, तो यही था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब एंड सेंड कर दो जल्दी से। बाय राइडर्स, चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।